यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करके इतिहास रच दिया है। आम आदमी के लिए जल्द से जल्द न्याय अब आम लोगों के दरवाजे पर ही उपलब्ध हो पाएगा। कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पिछले कई दशकों से यूपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मांग उठ रही थी। धर्मवीर कमीशन यानी तीसरे राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने साल 1977 में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। फिलहाल सरकार ने नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है। पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, पुलिस आयुक्त तो बढ़ाने की मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में अयोध्या नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। और यह प्रणाली लागू करने के साथ उन्हें 15 ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए जा रहे हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा हम आपको यहां पर उपलब्ध करा देंगे। ये उनको ये पावर डेलीगेट होंगे, उसके बाद वे इस बात के लिए अधिकृत होंगे कि कौन से अधिकारी को, उनके अधीन करने वाले कौन से अधिकारी को कौन से पावर उनको डेलीगेट करने, पुलिस आयुक्त तो स्वयं ही वहां पर तय करेंगे। ये कार्य मुख्य रूप से आज का ये पुलिस सुधार और पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल के जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में कभी पीछे नहीं है। जैसा दिल्ली और मुंबई में लागू होगा, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है और अपने पुलिस एक्ट के उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने प्रणाली यहाँ पर लागू की है और इस बेहतरीन पुलिस प्रणाली लागू की। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और Inextlive के कोई भी वीडियो मिस न करें।